नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल का जो पौधा है उसकी ग्रोथ रुक गई है? तो उसकी ग्रोथ को सही करने के लिए आज एक ऐसा फर्टिलाइजर लाई हूँ जिसको आप डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ सही हो जाएगी और उस पे भरपूर मात्रा में फूल आने लगेगा। इसको डालने के मात्र 3 दिन बाद ही आप असर इसका देखिएगा, बम्पर असर देखिएगा। तो मैंने इस गुड़हल के पौधे में डाला था और इस पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह हो रहा है। तो उस खाद को आप भी डालेंगे तो जिस भी पौधे पर फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं या ब्रांच वगैरह कोई न्यू नहीं आ रही है तो डालने के साथ ही आपको इतने सारे फूल वगैरह मिलने लगेंगे। तो इतना फूल पाना चाहते हैं तो खाद डालने के साथ का साथ साथ कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसको अगर आप कर लेंगे तो यह जो खाद है उसको आप डालेंगे तो अच्छे से सूट करेगा। अगर उस चीज़ को आप नहीं जानेंगे, उन बातों को आप नहीं जानेंगे तो कोई भी खाद डाल लीजिए वह सूट नहीं करता है पौधे को। तो बता दें, सबसे पहले अच्छा फूल पाने के लिए या अच्छी ग्रोथ पाने के लिए पौधे को कम से कम 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। अगर वह पौधा फूल वाला है या फल वाला है, तो अगर इंडोर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फूल वाले पौधे हों, फल वाले हों, सब्जी वाले हों, अगर यह खाद उसमें डाल रहे हैं तो उसको 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, तब जाके उस पर अच्छे से ग्रोथ वगैरह होता है और उसी ग्रोथ हुए प्लांट पर फूल वगैरह भरपूर मात्रा में होती है। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितने सारे फूल आए हैं और एक बकेट में मैंने लगाया है। तो चलिए, और कुछ ज़रूरी जो टिप्स होते हैं उसको एक एक करके मैं आपको बता दूं, उसके बाद खाद डालना बताऊंगी, ठीक है? तो धूप के साथ साथ मिट्टी की खुदाई भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे तो मिट्टी की जड़ों तक ऊर्जा नहीं पहुंचेगी। सूर्य की किरणें जब मिट्टी पर लगती हैं तो ऊर्जा मिलती है मिट्टी को, उससे ये होता है कि मिट्टी ऊर्जावान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, तो दोगुनी रफ्तार से पौधे का विकास करती है। यानी कि जड़ों का जब विकास करती है तो पौधे अच्छे से विकास करते हैं। तो मिट्टी की खुदाई महीने में एक बार या दो बार आप ज़रूर करिए। आपको लग रहा है कि मिट्टी थोड़ी ऊपर की लेयर पूरी टाइट हो गई है तो मिट्टी की खुदाई कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा खोद देने से मिट्टी को ताकत मिल जाएगी, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, तो पौधा आपका अच्छे से विकास करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद आप कभी कभी ये होता है कि आप कभी कभी ज़्यादा पानी डाल देते हैं, यानी कि ओवर वाटरिंग कर देते हैं। तो ओवर वाटरिंग का शिकार नहीं अपने पौधे को बनाना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते रहेंगे और कोई भी खाद उस पौधे में डालेंगे तो वह खाद कतई सूट नहीं करेगा। अगर चाहते हैं कि पौधे को जो खाद डालना है वह सूट करे तो पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाना रहेगा, ठीक है? तो पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं होने दीजिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि लबालब कंटिन्यू पानी भरा रहना, तो ये लबालब पानी नहीं भर रहा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात करें कि पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियां हो, सूखे ब्रांच हो, ख़राब ब्रांच हो, उसको कट करके निकाल देना है। तो मेरे पौधे पर जितनी पीली पत्तियां थी मैं उसको पहले तोड़ के निकाल लूँगी, उसके बाद ही मैं कोई खाद वगैरह डालूँगी। तो आप भी ऐसे करिएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक गार्डनर को जानना, तब जाके उनका पौधा अच्छे से विकास करता है। उसी पर फूल का साइज, अच्छे से फूल आना, अच्छे से फल आना, उसी पौधे पे आते हैं, ठीक है? तो खाद डालने से पहले ये सब काम अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस खाद को किसी भी फूल वाले पौधे में डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो इसको आप जो खाद मैं बता रही हूँ उसको आप किसी भी टाइप के पौधे में डाल सकते हैं, बेझिझक डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद चलिए बताते हैं कि और क्या करना है। तो मैंने ऐसे कर दिया। और फूल पाने के लिए पौधों की कटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, तो समय समय पर पौधों की कटाई छटाई करते रहिएगा। तो ये देख सकते हैं, ये मैं ली हूँ मल्टी विटामिन्स है, ये हड्डियों का चूरा है, और ये मैंने लिया है फंगिसाइड पाउडर। मल्टी विटामिन से ये होता है कि पौधे में अगर कोई कमी है तो उनका पूर्ण रूप से विकास करेगी, किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी। और हड्डियों का चूरा से कैल्शियम की पूर्ति होती है, तो जो भी फल वाले फूल वाले पौधे आते हैं तो उनको कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी पर फूल वगैरह आते हैं। फंगिसाइड डाला जाता है ताकि मिट्टी में कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो और मिट्टी स्वस्थ होगी। जब स्वस्थ मिट्टी होगी तो वही अच्छे से जड़ों का निर्माण करेगी, उसके बाद जब जड़ें बनती हैं तभी जाके ऊपर ब्रांच और न्यू पत्तियां वगैरह आती हैं।
तो खाद डालने से पहले जो भी गमले में ये सूखी पत्तियां वगैरह गिरी हों तो उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती हैं। तो देख सकते हैं ये स्नेल वाले कीड़े लग गए हैं मेरे में। क्यों लगे हैं? क्योंकि जो ये सूखी फूल गिरते हैं, सूखे पत्तियां गिरती हैं, जिसके कारण मिट्टी में ये लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है कि मिट्टी की खुदाई समय समय पर करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे आधे कीड़े तो ऐसे ही मर जाते हैं। तो खाद डालने से पहले अच्छे से मिट्टी को खोद लीजिएगा, ताकि जो भी आप खाद डालेंगे तो मिट्टी को सूट करेगा। तो ये देख सकते हैं कि स्नेल इसमें ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इस खाद को डाल रही हूँ, तो देख लीजिएगा कि कीड़े ज़रूर मर जाएंगे, 100% मर जाएंगे। ठीक है, तो मिट्टी की खुदाई करके थोड़ी सी मिट्टी को ढीली कर देंगे। ढीली करने से ये होगा कि थोड़ा सा एक तो ऑक्सीजन भी जड़ों तक मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा जड़ें रहेंगी वो भी थोड़ा सा टूट कर निकल जाएंगी, तो पौधे को अच्छा रहेगा। कभी कभी ये भी हो जाता है कि रूट बाउंड हो जाता है, मतलब रूट बाउंड का मतलब होता है जो जड़ें होती हैं पूरे ड्रेनेज तक हो जाती हैं, होल तक पहुँच जाती हैं, वही रूट बाउंड होता है। तो उसके कारण भी फूल वगैरह नहीं आते हैं पौधे पर, फल वगैरह नहीं आते, ये भी समस्या होती है। तो ये भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपके जो जड़ें हैं वह पूरे ड्रेनेज तक पहुंच गई हैं, यानी होल तक पहुंच गया है, तो गमले की दोबारा रिपॉटिंग करिए, नहीं तो ऐसे मिट्टी की खुदाई करके थोड़ा जड़ें काट कर निकाल दीजिए। तो दो तरीका होता है, अगर लगे कि मौसम सही नहीं है दोबारा रिपॉटिंग करने का, तो आप जड़ें थोड़ा बहुत काट के निकाल सकते हैं। अगर मौसम सही है आपके यहाँ, थोड़ा ठंडा है, तो दोबारा रिपॉटिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा पौधों के लिए, तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा, वेलड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा, उसमें पानी डालें और पानी छन के निकल जाए। मिट्टी का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। जो वेलड्रेन मिट्टी होती है, एक तो पानी छन के निकल जाती है, दूसरा ये होता है कि मिट्टी थोड़ी ढीली होती है तो उसमें जड़ें अच्छे से बढ़ती हैं, और वही टाइट मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, वो पानी को समेट के रखती हैं, जड़ों को भी नहीं बढ़ने देती हैं, तो उसके कारण भी कभी कभी ये समस्याएं आ जाती हैं। और जो मेरे प्लांट में ये चींटियाँ वगैरह दिख रही हैं, तो फंगिसाइड डालेंगे तो उससे कुछ चींटियाँ भी भाग जाएंगी। तो चलिए खाद दिखाते हैं। तो ये मैंने तीनों खाद लिया है और इसको अच्छे से मिलाकर उसके बाद मैं पौधे में अपने चारों तरफ से मिला दूंगी। मिलाने के बाद तब मैं अच्छे से पानी डाल दूंगी। तो जो भी खाद डालिएगा उसको अच्छे से मिलाकर और उसको पौधे के चारों तरफ से मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद उसमें भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा, पानी में कंजूसी ना करिएगा, ताकि जो ये खाद है वो जड़ों तक टच ना हो, न तो टच होगा तो वही पौधों को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं मैं खुरपी की सहायता से अच्छे से मिला दे रही हूँ। मिलाने के बाद इसमें मैं पानी डालूँगी, और एक मग्गा तो डालूँगी, फिर उसके बाद मैं अभी अपने गार्डन में पानी डाल रही थी तो उससे भी मैं पानी डाल दूँगी। तो देख सकते हैं पानी बहकर उधर से आ रहा है। तो एक मग्गा आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ, लेकिन मैं अभी पाइप लगा के इसमें और पानी डालूँगी, ताकि पूरा ये लबालब पानी से भर जाए और खाद जो भी मैंने डाला है वो अच्छे से गल जाए। तो जो मैंने जानकारी दी है एक एक चीज़ की, उसको बारीकी से ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप फॉलो करिएगा, तो जो ये बीमारियां भी हैं पौधे की वो भी सही हो जाएगी। बीमारियों में जैसे ये पत्तियों का ओरिजिनल कलर मेरे गायब हो गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो पत्तियां बर्न हो रही हैं वो भी सही हो जाएगा। जो कलियाँ खिलने से पहले गिर जा रही हैं वो भी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। तो मैंने जो जो टिप्स आपको बताए हैं उस चीज़ को लाइन टू लाइन फॉलो करिएगा। मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे फूल आएंगे और बिग साइज के आएंगे और भारी मात्रा में फूल आएंगे। इन बातों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप पौधों को पानी डालते हैं तो पानी चेक करके दीजिएगा, और दूसरा अगर लगे कि गमले में नमी है तो पौधों को कभी कभी हफ्ते में 2-3 दिन थोड़ा सा शावरिंग वगैरह कर दीजिए। शावरिंग का मतलब होता है पौधों को नहलाते हुए पानी डालिएगा, इससे ये होगा पत्तियों के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा, तो मीली बग वगैरह नहीं आएंगे। मीली बग का मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं चिपचिपी रेशे वाले कीड़े, वो पत्तियों पर नहीं लगेंगे, क्योंकि वो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से फूल वगैरह आने में समस्याएं आती हैं, विकास में बाधा अवरोध करते हैं। तो थोड़ा पत्तियों को नहलाते हुए भी पानी डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो, ना आए तो भी आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।